हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट गाइड में आपका स्वागत है। मेरा सोनी डिजिटल मार्केटर। आज के हम एसईओ कोर्स में बात करेंगे सीटीआर की, यानी कि क्लिक थ्रू रेट। क्या आपको पता है सीटीआर क्या है और इसे हम कैसे सुधारें? क्या आप अपने अबसेंस सीटीआर को लेकर अवेयर हैं? क्या आपको पता है अगर आपका अबसेंस सीटीआर लो हो गया तो आप किस प्रकार से प्रॉब्लम में आने वाले हैं? अगर नहीं तो इन सभी सवालों का जवाब अब हम इस वीडियो में जानेंगे, किस प्रकार से हम क्लिक थ्रू रेट यानी कि सीटीआर की हेल्प से इजीली तरीके से अर्निंग के सोर्स बना सकते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट से। हम समझेंगे हम कैसे ब्रैकेट्स का टैग यूज कर सकते हैं टाइटल टैग में, और साथ से हम ये भी समझेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसी होती है टाइटल में। यूज कर देंगे हम शॉर्ट एंड डिविडेंट यूआरएल्स का, हम किस प्रकार एसईओ में सीटीआर का यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करेंगे डिस्क्रिप्शन को, मेंशन करेंगे करेंट ईयर और टाइटल में, और साथ से हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं क्लिक बेट को, और ये भी समझेंगे कौन कौन से इमोशंस का हमें यूज करना चाहिए, और साथ ही साथ कौन से रिच स्निप्स होते हैं, और साथ में हम ये भी समझेंगे कौन से यूज ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, और साथ में हम ये भी समझेंगे कि रिसर्च लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होता है, और ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से सोशल मीडिया जो होते हैं वहां पे हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स का यूज करके आसानी से अपने सीटीआर्स को बढ़ा सकते हैं, और रिसर्च गूगल वेब मास्टर से हम किस प्रकार से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं, और कई बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बहुत बार नोटिस किया कि ज्यादातर ब्लॉगर्स अबसेंस को मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी के लिए यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि अबसेंस एक सीपीसी बेस्ड नेटवर्क है। इसमें आपको पैसे पर क्लिक के अकॉर्डिंग मिलेंगे कि एप्रेस या फिर इंप्रेशन के मिलेंगे। अबसेंस को इस प्रकार के वर्क करता है, जैसे मानो कि आपका अब एड्स पर 100% व्यूज एंड इंप्रेशन आए तो उसमें से एड्स पर 8 क्लिक हुए तो आप एबसेंस सीटीआरस 8% माना जाएगा, ना कि 100 व्यूज को एबसेंस सीटीआर मानेंगे। तो फर्स्टली हम समझते हैं कि सीटीआर होता क्या है, क्योंकि हम सीटीआर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें फर्स्टली समझ में आना चाहिए सीटीआर का रियल मीनिंग होता क्या। तो सीटीआर को हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर किसी वेबसाइट पर दिखाए जाने वाले एड्स पर क्लिक थ्रो, यानी कि हम बोल सकते हैं पर थ्रो क्लिक रेट ही सीटीआर के जरिए बहुत सारी वेबसाइट अर्निंग करते हैं। ये मान लीजिए सीटीआर वेबसाइट के द्वारा एक अच्छे इनकम का सोर्सेस है। सीटीआर को क्लिक थ्रो रेट के नाम से भी हम जानते हैं। सीटीआर को हम कई बार अगर सिंपली वर्ड में देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि एड्स के टोटल इंप्रेशन पर किसी विजिटर के द्वारा कितनी बार क्लिक किया जाता है उसे हम सीटीआर थ्रो रेट कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सीटीआर का फॉर्मूला बहुत इजीली होता है, यानी क्लिक थ्रो रेट टोटल क्लिक्स कितने हुए और टोटल इंप्रेशन कितने हुए उसका हम देखते हैं। टोटल क्लिक से हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साथ से उसका डिवाइड करेंगे टोटल इंप्रेशन से, और वही हमारा एक सीटीआर आ जाएगा, यानी कि क्लिक थ्रो रेट। अब देखो कई बार क्या होता है, सीटीआर को समझ पहले आपको जानने की जरूरत है फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ एड या फिर नंबर ऑफ इंप्रेशन जो होते हैं सीटीआर के, ये आपको देखने हैं, और ये गौर करने में भी जितना हाई हो सीटीआर उतना होगा उतने अच्छे एड्स आपको मिलेंगे, उन एड्स पर जितने क्लिक्स आपको उसके अकॉर्डिंग ही पैसे मिलेंगे। अब हम समझते हैं कि कैसे हम इसे चेक कर सकते हैं हमारे सीटीआर को। तो हम अबसेंस सीटीआर को चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल एबसेंस अकाउंट पर हमें जाना होगा, फिर वहां पर एबसेंस अकाउंट को ओपन करके उसके बाद होम पेज को रिफ्रेश करें। जब पेज लोड हो जाए तब वहां आपको एक परफॉर्मेंस चार्ट विजिबल होगा, उसमें अपना सीपीसी आरपीएम क्लिक्स और इंप्रेशन चेक कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि एबसेंस सीटीआर कितना होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एड सीटीआर जो हमेशा 15% से कम होना चाहिए। अगर आपका सीटीआर ज्यादा हुआ तो आपका लाइफ टाइम के लिए भी बंद हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आप वहां उसे डे बाई डे के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, और आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपने डैशबोर्ड में इंटरफेस के रिपोर्ट्स पर क्लिक करके आपको सब डिटेल मिल जाएगी। या आपके एबसेंस का सीटीआर 12 से 13% हो तो आपको इमिडिएटली अपने ब्लॉग से गूगल एबसेंस को हटा कर उसे अपने गूगल एबसेंस को एक एप्लीकेशन देनी होगी जो आपके एबसेंस में इनवैलिड एक्टिविटीज हुई है, और इसी तरीके से गूगल एबसेंस आपके अर्निंग कार्ड का गूगल एबसेंस में सेव कर देता है। फिर आप 2 से 4 घंटे बाद या 24 आवर्स बाद अपने वेबसाइट पर गूगल एबसेंस को द्वारा लगा सकते हैं। तो ये होता है सीटीआर। अब हम समझते हैं कि हम किस प्रकार से सीटीआर को अपने एसईओ में कर सकते हैं, तो मैं आपको बहुत सी टेक्निक बताने वाला हूँ। फर्स्टली हम बात करेंगे यूज ब्रैकेट टाइटल टैग। हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं अपने टाइटल टैग में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि हम अगर लिंक बिल्डिंग का सर्च करते हैं तो हम सबसे पहले यूज ब्रैकेट्स का हमें यूज करना है। कई बार हम ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसे कि हम 2-3 आपने देख रहे होंगे 2 साइट जो है इसमें कोई भी ब्रैकेट्स नहीं लगाए, तो आप अगर कोशिश करो ब्रैकेट्स लगा के टाइटल टैग में, तो ये भी बहुत अच्छा क्लिक थ्रू रेट होता है हमारे एसईओ के लिए।
हम समझते हैं हम सेकेंड थिंग्स क्या कर सकते हैं तो हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज इन टाइटल में। हम न्यूमेरिकल वैल्यूज लगा सकते हैं टाइटल्स में, जैसे कि आप कैसे लगाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से लगा सकते हैं, कुछ चीजें जब हमें उसको पॉइंट में बतानी होती है अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में लगा देते हैं तो वो भी बहुत फास्ट चीज होती है हमारे एसईओ के लिए, वो भी क्लिक थ्रू रेट के थ्रू से। बहुत से लोग उसी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज में टाइटल दिए गए हैं। अगर थर्ड हम बात करें तो हम समझ सकते हैं यूज शॉर्ट एंड रिवलेंट यूआरएल्स। हमें क्या करना है, शॉर्ट और रिवलेंट यूआरएल्स का ही यूज करना है। कई बार बहुत से लोग बड़े बड़े यूआरएल्स का यूज करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम कुछ सर्च करते हैं और हम देखते हैं, जैसे हम सर्च कर रहे हैं ग्रेजुएट स्कूल वेब डेवलपमेंट, तो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है उसी के रिलेटेड, तो यूज कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं शॉर्ट तरीके से हम क्या कर रहे हैं उसका यूआरएल्स का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि पार्ट ऑफ सर्चेस होता है, चूज करते हैं लिंक को जो क्लिक कर लेता है और लोग आसानी से इस चीज पर जल्दी से क्लिक कर लेते हैं। अब अगर हम समझते हैं कि हम किस तरह से एक और तरीके से सीटीआर करेंगे, तो हम करेंगे ऑप्टिमाइज योर डिस्क्रिप्शन। आपको जब भी आप वेबसाइट या ब्लॉग की हम बात करें तो आपको ऑप्टिमाइज करनी चाहिए अपने डिस्क्रिप्शन को। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी वे में हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रिव्यू दिखा सकते हैं, ये फिर हम देख सकते हैं कि हम पूरी तरीके से उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दे रहे हैं। हम जो भी चीज टॉपिक में समझाने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, तो ये भी बहुत अच्छा सीटीआर होता है हमारे एसईओ के लिए। हम समझते हैं कि हम एक और तरीके से करेंगे मेंशन करंट ईयर इन टाइटल। अक्सर आपने देखो जब भी आप किसी चीज के बारे में सर्च करते हो और आपको इसी साल का चीज, सपोज कीजिए आप किसी सॉन्ग को सर्च करते हो तो आप सर्च करते हो उस ईयर के साथ, और बहुत से लोग जो है अगर वेबसाइट पे अपने सॉन्ग्स के साथ अगर ईयर डालते हैं तो उनकी वेबसाइट भी सीटीआर अच्छा रिस्पॉन्स करती है। जैसे कि हम 2021 डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं तो देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करेंगे उस पर क्लिक करेंगे और दिख जाएगा कि बहुत से लोग जो है ईयर का यूज करते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज होती है सीटीआर हमारे एसईओ के लिए। चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से हम अवॉइड करेंगे क्लिकबेट को। फिर इसको समझने के लिए मैं सिंपल में आपको बता दूं क्लिकबेट होता क्या है। देखा जाए क्लिकबेट जो है इंग्लिश के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्लिक और बैट, यानी कि इंटरनेट पर क्लिक का मतलब होता है लिंक द्वारा किसी वेबसाइट पर जाना और बैट का मतलब होता है जाल में फंसाना। यदि अगर आप कुल मिलाकर देखें तो क्लिक बैट का मतलब होता है कि उदाहरण के लिए हम एग्जांपल की समझ लेते हैं कि मान लीजिए मेरी कोई वेबसाइट है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर आए, और मैं एक दिन में अपनी वेबसाइट क्या करता हूँ कि ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाए इस बारे में एक आर्टिकल लिखता हूँ, जिससे मैंने ब्लॉगिंग से पैसे कमाने की जनरल मेथड के बारे में जानकारी दी होती है। पोस्ट लिखने के बाद मैं उस ब्लॉग पोस्ट को कुछ तरह इस तरह का टाइटल देता हूँ कि ब्लॉग एक दिन में 1000 रुपए कमाइए, इसके बाद मैं अपनी पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर देता हूं, इससे बहुत सारे लोग मेरी वेबसाइट पर आते हैं और मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक कई गुना बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए जो लोग मेरी वेबसाइट पर आए क्या उन्हें वो मिला जो उन्हें क्लिक करने से पहले सोचा था? नहीं ना। इसका मतलब कि इस केस में लोगों के साथ क्लिक बेट किया, यानी कि उन्हें जाल में फंसा लिया। इसी उदाहरण से आप क्लिक बेट का इस्तेमाल तो करना समझ गए, पर चलिए अगर क्लिक बेट अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। तो आपको ध्यान रखना है इससे क्या नुकसान होने वाले हैं, तो इससे करने से क्लिक बेट करने से लोगों पर हमसे और हमारी वेबसाइट से भरोसा कम हो जाएगा, हमारा ट्रस्ट पूरी तरीके से चला जाएगा। क्लिक बेट करने से लोग हमारी वेबसाइट को जल्दी छोड़कर निकल जाते हैं, जिससे उनका बाउंस रेट बढ़ता है और गूगल रैंकिंग गिरती जाती है। क्लिक बेट करने से हमारी वेबसाइट में क्या होता है, गूगल बैन कर सकती है और लोगों द्वारा उसे रिपोर्ट भी किया जा सकता है। क्लिक बेट करने से ऐसा हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी यानी कि डीए पर भी असर पड़ता है। क्लिक बेट से हमारे डीए में भी कमी आती है। क्लिक बेट करने से हमारी साइट की ट्रस्ट रैंक जो होती है डिक्रीज हो जाती है। तो आपको हमें ध्यान रखना है क्लिक बेट करने से हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए हमारी एलेक्सा रैंकिंग में सुधार तो आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत जल्दी से गिर जाएगी। तो आपको अवॉइड रखना है क्लिक बेट को, क्योंकि सीटीआर करते समय ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए हम समझते हैं अब हम कौन से तरीके से एक और सीटीआर कर सकते हैं। तो यूज इमोशंस, यानी कि आजकल इमोशंस की हमेशा बात होती है, इमोशंस जो एक कंटेंट होता है कैसे हम यूज कर सकते हैं, यही एक मास्टर बनाता है। अगर हम कुछ अच्छा कंटेंट कर रहे हैं तो वहां पे हम यूज का इमोशंस का यूज करें ताकि लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगे, आपकी वेबसाइट के बारे में जानने में अच्छा लगे। अगर आप इमोशंस का यूज करोगे तो लोग आपसे बहुत जल्दी जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि इमोशंस जो ऐसा होता है कि लोगों को बहुत जल्दी से कनेक्ट कर लेता है। चलिए हम समझते हैं एक और सीटीआर के बारे में जो रिच होते हैं स्नैपशॉट्स, यानी कि रिच स्नैपशॉट्स का यूज करके आप इजीली तरीके से एसईओ कर सकते हैं। तो हम समझेंगे स्नैपशॉट्स होता क्या है। देखा जाए स्निपेट्स एक तरह से एक रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट हमें गूगल पर किए गए किसी सर्च के लिए दिखाए जाते हैं। जब आप कोई सवाल गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल आपको कुछ रिजल्ट दिखाता है जो स्नैप के फॉर्मेट में होते हैं या स्नैप के आपके रिसर्च किए हुए कीवर्ड के बेस पर दिखाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने चिली रेसिपी डाला है तो इस प्रकार से रेटिंग के साथ में दिखा दिया गया है। तो मतलब ये रिच स्निपेट्स होते हैं, इनका यूज करके आप आसानी से अपने सीटीआर बढ़ा सकते हो अपने एसईओ के।
चलिए हम समझते हैं एक और तरीका कैसे हम यूज ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करेंगे। अक्सर मैंने देखा जब भी हम वेबसाइट खोलते हैं या ब्लॉग्स खोलते हैं उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट देखना बहुत पसंद होता है, जिससे कि हम समझ जाते हैं हमें किस चीज के बारे में समझना है। जैसे कि अगर मैं स्नैपपेट्स की बात करूँ तो स्नैपपेट्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं या फिर इसके फीचर्स क्या होती है, बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो होती है टेबल ऑफ कंटेंट में दी रहती है। इसकी तरीके से हम इजिली तरीके से कोई भी व्यूअर्स होगा वो आसानी से आएगा, विजिटर आएगा और आपकी वेबसाइट पर बहुत देर तक रुका रहेगा। अब हम समझते हैं कौन से एक और तरीका होता है CTR का, तो हम समझेंगे रिसर्च लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। हमें रिसर्च करनी चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, जहां के जितने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे उन सभी का अच्छे से यूज करके हम अपने CTR की रेटिंग बढ़ा सकते हैं। एक और तरीका होता है जिसे हम बोलेंगे यूज सोशल मीडिया टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स, यानी कि हम CTR करने के लिए क्या कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स पे जाएंगे और वहां पे सोशल मीडिया ट्रेंडिंग टॉपिक्स को क्लिक कर देखेंगे और उससे रिलेटेड हम अपने ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं, वेबसाइट के थोड़े से ट्रेंडिंग टॉपिक बना सकते हैं जिससे कि लोग सर्च करें तो आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग पर रैंकिंग दिखने लगे, जिससे भी एक CTR एक बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज होता है। एक और लास्ट चीज है जिसे हम समझेंगे वो है रिसर्च गूगल वेबमास्टर। इसके बारे में हम ये जानेंगे कि रिसर्च गूगल वेबमास्टर क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। हम समझेंगे गूगल वेबमास्टर टूल गूगल का ही एक टूल है जो वेबसाइट और ब्लॉगर्स के लिए भी होता है, यूज किया जाता है। इसे गूगल सर्च कंसोल भी हम कहते हैं। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म टूल्स होता है जो आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक लाने के लिए और आपकी वेबसाइट में कहां गलती हो रही है इस बात को बताने में हेल्प करता है। गूगल वेबमास्टर टूल जो है आपकी वेबसाइट की पूरी रिपोर्ट, जैसे कि आपकी वेबसाइट पर किन लोगों ने कीवर्ड को सर्च करके आ रहे हैं और किस इससे आप अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट में क्या क्या हीरोज आ रही है, उन सभी सुविधाओं का प्रॉफिट लेने के लिए आप अपने गूगल वेबमास्टर टूल में अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हो, जिससे कि पूरी प्रोसेस होती है ये हमें फ्री टूल मिला जाता है जिससे हम अपनी CTR रैंकिंग को सुधार सकते हैं। आई होप कि आपको CTR क्लिक थ्रू रेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, हम इसे कैसे कर सकते हैं, क्या होता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली होगी। बीस का दवेश, थैंक यू सो मच।